आप हिंदुस्तानी है, अच्छा मुझे बताइए आदि पुरुष जो फिल्म का निर्माण हुआ है वो निर्माण में क्या हमारा धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं है? हुआ है ना, उस अपमान का जवाब देना तो जाना पड़ेगा हिंदुस्तानियों को, सनातनियों के लिए। हम करणी सेना परिवार समस्त सनातनियों को साथ में लेके हम जा रहे हैं कहाँ? निर्देशक निर्माता ओम राउत से मिलने, उसको जवाब देने, क्योंकि न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी। और दूसरी बात सर, यदि आज जवाब दे दिया ना उसको तो सब जिंदगी में कोई भी निर्माता निर्देशक हमारे धार्मिक ग्रंथों पे हमारे देव देवताओं का अपमान भी नहीं करेगा और अपमानित फिल्म भी नहीं बनाएगा। तो हम उसी उद्देश्य से जा रहे थे, बीच में हमारे महाराष्ट्र पुलिस के जो अधिकारी उन्होंने हमें रोक लिया। लेकिन मैं भी एक फौजी हूँ, मैंने भी टुकड़ियों में टीम भेजी है वहाँ पे, और हमारी एक टीम तो वहाँ पहुँच भी चुकी है, मध्य प्रदेश की हमारी टीम वो पहुँच चुकी है और वहाँ घर्षण चल रहा है। हमें सिर्फ एक ही बात कहनी है, हम तो सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि हमें तो क्या करना है, हमें तो एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कभी भी हमारे धार्मिक अपमान ना हो, हमारे देवताओं का अपमान ना हो। हम यहाँ पे बैठे हैं, अधिकारी बैठे हैं, हम उनसे मिलके आए हैं, उन्होंने हमें कहा है, आश्वासन दिया है कि हम इसमें आपकी यथाशक्ति मदद करेंगे और हम अभी वेट कर रहे हैं उनका। जैसे ही वो हमें मदद करेंगे वैसे हम यहाँ से फिर मार्च करेंगे, अगर निर्णय हम आपको बताएंगे। आप क्या चेतावनी देना चाहते हैं? चेतावनी नहीं साहब, सीधा जवाब, घर में घुस के उसको चाटा मारना चाहते हैं सर, यही हमारा तो जवाब, हम तो ये तरीके में सर्व हिंदू का ये। और दूसरी बात साहब, हमें पता है हमारी गिरफ्तारियां होगी, हमें पता है हमारे पे केस होंगे, जब मारेंगे तो केस होगा, हमें उसकी भी परवाह नहीं, क्योंकि देश हित की बात है, राष्ट्र हित की बात है। जब देश हित राष्ट्र हित के लिए एक जवान शहीद हो सकता है बॉर्डर पे, साहब क्या हम हिंदुत्व के लिए शहीद नहीं हो सकते? क्या हम हमारे पे केस नहीं ले सकते? हम केस लेने के लिए भी तैयार है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये एक एग्जाम्पल सेट हो जाए और भविष्य में ऐसी फिल्म, क्योंकि कई सालों से आप देखते आ रहे हो, ये फिल्में बनाते फिर उसमें करेक्शन करते, उनकी औकात क्या है ये फिल्म बना जाए हमारे देश? अरे ये मैं बोलता हूँ साहब, ऐसी फिल्में बने ही क्यों साहब? निर्माता निर्देशक ये फिल्म बनाएगा तो सेंसर बोर्ड में जाएगी ना, न रहेगा बास न बजेगी बांसुरी, न बनेगी न सेंसर बोर्ड में जाएगी, न कोई कलाकार फिल्म कला करेगा। इसलिए हम तो मेन आदमी ही पकड़ते हैं और वही काम करते हैं। जय श्री राम। बिल्कुल सर, मेरा आपसे निवेदन यही है, हनुमान जी आपसे एक हमारा उद्देश्य ये वहाँ पहुँचना है।